नमस्कार जैन साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। साथियों आप सभी के लिए खुशखबरी, एक और भर्ती की लेके आ चुका हूं। साथियों पर आप सभी के लिए फायर की एक और वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुका हूं। और साथियों आप सभी के लिए खुशखबरी, लगातार आपकी अपडेट आ रही है, फायरमैन की राजस्थान की वैकेंसी निकलने वाली है। साथ ही आपकी CISF की निकल चुकी है। तो साथियों लगातार हमारी फायर की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो साथियों आप लग जाओ तैयारी में, प्रैक्टिकल फिजिकल की और एग्जामिनेशन की तैयारी में आप लग जाओ। सबसे पहले इस भर्ती के बारे में जान लेते हैं, आज कौन सी वैकेंसी आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों यहां पर हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की एक नई वैकेंसी निकल के आई है। इसके अंदर आपको विभिन्न पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, भर्तियाँ देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ ही फायरमैन की वैकेंसी यहाँ पर एक निकल के आ रही है। तो जान लेते हैं कि क्या इसकी पोस्ट है और क्या इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या फीस रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है, सारी जानकारी यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ओपनिंग डेट है 19/8/2024 को ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है अगले मंथ की जो 9 तारीख है, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। और आपको यहाँ पर आपका जो फिजिकल है, आपका जो मेडिकल है और जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसकी भी डेट यहाँ पर बता दी गई है। आपकी टेंटेटिव डेट बता दी गई है 10/11/2024 को रिटर्न एग्जाम की डेट बता दी गई है, और साथ ही आपका PET और PST, ठीक है, 26/11/2024 की आप डेट यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। साथियों ये आपकी डेट रहने वाली है एग्जाम की और आपके लास्ट डेट फॉरम की। और आगे हम जान लेते हैं कि कितनी पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन वैकेंसी नहीं रहने वाली है। आपको ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। यहाँ पर जान लेते हैं हमारी फायरमैन के बारे में, ठीक है। फायरमैन का देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। 3624 आपका यहाँ पर पोस्ट कोड रहने वाला है। साथ ही वैकेंसी का नाम है, आपका पोस्ट का नाम है फायर इमरजेंसी सर्विस, और आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट रहने वाली है 42 टोटल पोस्ट रहने वाली है फायर के अंदर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट के विद्यार्थी उनके लिए 31 वैकेंसी यहां पर दी गई है। 7 वैकेंसी आपके जनरल के अंदर है, 4 वैकेंसी आपके यहां पर एक्सर्विसमैन के लिए है। और मैं आपको बता देता हूं कि अदर स्टेट के विद्यार्थी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यहां पर मौका रहने वाला है, और यहां पर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। साथियों यह भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आगे जान लेते हैं आपके सिलेबस, फीस के बारे में, और क्या फिजिकल है, क्या हाइट मांगी गई है, वह जानकारी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं फायरमैन के जो आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर जानकारी जान लेते हैं। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 3624, फायरमैन आपका वैकेंसी का नाम है। 10वीं क्लास के विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, कैटेगरी मेल की विद्यार्थी की बात कर लेते हैं, तो 165 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपकी जो जो अरुणाचल प्रदेश के हैं विद्यार्थी 160 सेंटीमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब चंगलैन के जो विद्यार्थी आते हैं उनको 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ठीक है। विदाउट जो ओनली अरुणाचल प्रदेश के अंदर आते हैं, जो ट्राइब्स एरिया के अंदर नहीं आते हैं, उनकी 160 सेंटीमीटर दी गई है। ऑल कैटेगरी की चेस्ट मांगी गई है 79 नॉर्मल और 84 आपको एक्सपेंड यानी आपको फुलानी होगी वहां पर, ठीक है। और यहां पर आगे बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इवेंट बताया गया है 100 मीटर आपको 10 किलो वजन उठा के ले जाना होगा, 1 मिनट का आपको समय मिलेगा। उसके साथ 1500 मीटर की आपको रनिंग करनी होगी 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। आपको रस्सा चढ़ना होगा 8 फीट का, हाई जंप करना होगा, लॉन्ग जंप करना होगा 107 सेंटीमीटर 11 फीट, ठीक है। यहाँ आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी आई के बारे में बताया गया है, थर्ड यहाँ पर आपकी आई विजन के बारे में बताया गया है। आपकी करेक्ट आई विजन रहने वाली है 6x6 रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी करेक्ट विजन है 6x12 नियर विजन आपकी रहने वाली है, आपकी कंप्लीट आंख बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाली है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला, आंखों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेक किया जाएगा, ठीक है। साथियों आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं और इसके सिलेबस के बारे में, एज के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है 18 से 32 ईयर्स के विद्यार्थी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो विद्यार्थी अदर स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करेगा उनको छूट नहीं मिलने वाली है उम्र के अंदर। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। आपकी 150 रुपये नॉन रिफंड फीस लगने वाली है, और यहाँ पर 200 रुपये आपकी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को यहाँ पर फीस लगने वाली है, जो आपकी वापस नहीं होगी, ठीक है। जो विद्यार्थी अदर स्टेट के भरेंगे, जैसे यहाँ पर जयपुर के, राजस्थान के विद्यार्थी भरेंगे, जैसे आपके राजस्थान के विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, उनके जनरल कैटेगरी के हिसाब से फीस यहाँ पर लगने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इंडियन सिटीजन यहाँ पर विद्यार्थी होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे बात कर लेते हैं स्कीम एग्जामिनेशन की, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर स्टेज बताया गया है। फर्स्ट स्टेज में इस पोस्ट कोड का एग्जाम होगा, और सेकेंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में आपका यहाँ पर इन पोस्ट कोड में जो भर्ती हैं जिनका नाम, जैसे फायर का हो गया, MTS हो गया, इनकी एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेबस बताया गया है आपका एबसेड टाइप
यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ पर एबीसीडी टाइप यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर पेपर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, अर्थमेटिकल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके सिलेबस के अंदर रहने वाला है। ये सभी आपके 50-50 मार्क्स के रहने वाला है। टोटल 200 मार्क्स का आपका, टोटल आपका 200 नंबर का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर साथियों देख लेते हैं आगे आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इसमें बताया नहीं गया है, ठीक है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस आपको बता दिया, जनरल अवेयरनेस, आपका इंटेलिजेंस रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर आपके होने वाले हैं, ठीक है। सभी के 2-2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। आगे जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशेंट टेस्ट यहाँ पर बताया गया है। पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर 3624 फायरमैन यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पोस्ट कोड आप सभी को याद रखना है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएसटी और पीईटी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर पोस्ट कोड बताए गए हैं। इनके शॉर्ट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर सभी को लिया जाएगा। देख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट स्टेज सेकंड पीएसटी पीईटी विल बी 1:8, ठीक है, रेशियो निकाला जाएगा, मेरिट निकाली जाएगी। वैकेंसी इज 10, देन 80% यहाँ पर कैंडिडेट सेल ऑफ शॉर्ट लिस्ट स्टेज सेकेंड के अंदर 80% विद्यार्थियों को यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। साथ में आपके यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है, फायरमैन का होगा, यहाँ पर आपका 3724 जो पोस्ट कोड है कांस्टेबल उनका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, लेडी कांस्टेबल का मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस जो अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं रहने वाली है और अदर स्टेट के विद्यार्थियों को यहाँ पर बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। आगे जानकारी जान लेते हैं क्या एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, और आगे हम इसकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी फायर से संबंधित वह भी यहां पर हम देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं एज के बारे में बताया गया है, पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 32 ईयर्स बताई गई है, 18 से 22 ईयर्स, और यहाँ पर आपकी 18 से 35 ईयर्स बताई गई है, आपकी फायरमैन के ऊपर रहने वाली है। 18 से 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। एज रिलेक्शन देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी आते हैं 5 साल की एज रिलेक्शन मिलेगी, ठीक है। PWBD के अंदर 10 साल की एज रिलेक्शन यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले को यहाँ पर 15 साल की एज रिलेक्शन दी गई है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, यहाँ पर जो अदर स्टेट से विद्यार्थी बिलोंग करेंगे उनको एज रिलेक्शन में छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। और जो साथियों यहाँ पर जो आपका सिलेबस है फायर का, उसके बारे में यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं गई है, फायरमैन का कुछ भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। और यहाँ पर आपको 10वीं पास ओनली मांगा गया है, ना आपका फायरमैन का डिप्लोमा भी यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो साथियों आप सभी के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मौका रहने वाला है, 10वीं पास आपका सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। तो साथियों जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। पर हम बात कर लेते हैं आपका सेंटर एग्जामिनेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सेंटर दिए गए हैं, इनके अंदर से कोई सा भी आपकी एग्जाम सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आपका एग्जाम सेंटर आएगा, ठीक है साथियों। इनमें से आप कोई भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है साथियों आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस भर्ती में फॉर्म जरूर अप्लाई करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं पास वाले विद्यार्थी अप्लाई करना है, ना कि आपको फायरमैन का डिप्लोमा देना है, ना कुछ और, आपका 10वीं का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेबस आएगा। और आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है, विद्यार्थी सभी इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।